दोस्तों मैं हूं जनार्दन आज और आप देख रहे हैं आपका पसंद का चैनल सुप्रीम टाइम। आप एग्जैक्टली जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं मेरा वीडियो में वो मिल जाएगा। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आप पीएफ का पूरा पैसा एट ए टाइम निकालना चाहते हो, जितना जमा हुआ आपका, तो कैसे निकालेंगे उस विषय में करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। देखिए, पीएफ का जो पैसा आपका जमा होता है 12% आपका एम्प्लॉयर देता है और 24% पैसा, ये पैसा कैसे 100% निकाले? ऐसे तो कोविड-19 जैसा बीमारियों की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ छूट करा दिया है, आप चाहे तो एडवांस पैसा निकाल सकते हो, बट पूरा ही निकलना है और वापस करना नहीं, ऐसा कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अगर किसी का जॉब चली जाती है, कुछ भी कारण हो, जॉब लॉस हो गया किसी का और वो एक महीना घर पर बैठा है, जॉब नहीं है उनके पास, तो 75% पैसा जितना जमा वो निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जो 25% पैसा बचा हुआ वो क्या होगा? वो जैसे आपको नया जॉब मिल जाता है तो आप इस 25% को नया कंपनी के साथ जुड़ सकते हो। अच्छा, अब जॉब नहीं मिला तो क्या करें? जॉब नहीं मिला तो उसको भी आप निकाल सकते हो 2 महीने बाद। इसका मैक्सिमम टाइम है 36 मंथ। कोई भी अगर जॉब छोड़ देता है या उसका कंपनी लॉकडाउन होता है तो 36 मंथ के अंदर वो क्लेम करके पूरा पैसा निकाल सकता है, ठीक है। बट इसमें फ़ायदा किसका होगा? बहुत ज़्यादा फायदा आपका होने वाला, नुकसान ज़्यादा है। कैसे? ये बोलते हैं कि अगर आपने जो पैसा आपका कंट्रीब्यूट हुआ है, मिनिमम अगर 5 साल आपका जमा हो जाता तो फाइन, नहीं हुआ तो आपने पीएफ के ऊपर जो पैसा जमा किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ब्याज आपको मिला उसके ऊपर 10% टैक्स लग सकता है आपको। तो ये टैक्स लगे तो आपका पैसा लॉस होता है, राइट। तो इसलिए रिकमेंड ज़्यादातर एक्सपर्ट या मैं भी आपको क्या बोलूँ कि आपने फ्रिक्वेंटली पीएफ का पैसा क्लेम मत करिए, मत उठाइए। आपको क्या करते हैं, एक गुड पार्ट क्या है, किसी ने सोचिए ए कंपनी में 4 साल काम किया, उससे उसके बाद उसने बी कंपनी में गया, उसने 1 साल काम किया, तो पीएफ क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बेनिफिट में अगर बहुत ज़्यादा गैप नहीं हुआ, क्योंकि हर कंपनी एक नोटिस पीरियड आपको देता है आजकल, है ना, 30 डेज का हो या 60 डेज का एक नोटिस पीरियड आपको मिल जाता है जॉब छोड़ने से पहले, चाहे वो निकले या आपको खुद से निकालना है, तो आपको एक 30 डेज या 60 डेज का टाइम मिल जाता है। तो उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर जब से आपका दूसरा जॉब मिल जाता है, आप पुराना कंपनी के साथ नया कंपनी का पीएफ अमाउंट को लिंक कर सकते हो, तो कंटिन्यूटी बेनिफिट में उसको दिखाई देगा और टोटल आपका 5 साल जैसे पूरा जाता है, ये जो टैक्स का फंड है ये आपको नहीं लगेगा, आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसे करके अगर आप कंटिन्यूटी दिखा देते हो पीएफ में 10 साल, उसके बाद तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, उसके आप या आपका ऊपर जो डिपेंडेंट है आपका वर्तमान में, उन सबको पीएफ पेंशन का पैसा मिलता है। सोचिए, हमको लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब करने से पेंशन मिल सकता है, ऐसा नहीं, प्राइवेट में भी आप पेंशन कमा सकते हो 50 साल के बाद। नॉर्मल 58 डेज है, बट 50 साल के बाद उस पर थोड़ा सा आपको कम बेनिफिट मिलेगा, बट नॉर्मल 58 के बाद जैसे आप एलिजिबल हो जाएंगे आप पेंशन ले सकते हो, बट मिनिमम 10 साल का कंटिन्यूटी दिखाना है। तो जो लोग अभी मन मन में सोचते हैं मैं पैसा निकाल देता हूँ पूरा, आप कोई अलग सोर्स से अपना पैसा को आप अरेंज करिए, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम 10 साल का बात है। हम 40 साल तो काम कर लेते हैं, बट एक 10 साल का अगर आपने कंटिन्यूटी दिखा दिया उसके बाद आपका परिवार वाला थोड़ा तो निश्चित है कि पेंशन का पैसा मिल जाएगा। ऐसे अगर निकलने तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और जॉब को प्यार करिए, एटलीस्ट अगर आप है जॉब कर रहे हैं 10 ईयर का कंटिन्यूटी दीजिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे पीएफ में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, और हमारा काफ़ी सारा वीडियो पीएफ के ऊपर है, लोग उसको पसंद करते हैं। आप भी शायद इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपने पसंद किया, आपका मन में और कुछ डाउट है, कुछ सवाल है पीएफ के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करूँगा, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादातर हम इस चैनल में पीएफ के ऊपर ही बातचीत करते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आपको अगर ये डिस्कशन पसंद होता है तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।